आईपीएल 2019 की शुरुआत में बस अब चंद दिनों का समय और बचा हुआ है और आज इस वीडियो में दोस्तों मैं आईपीएल की आठों टीमों के टॉप थ्री बल्लेबाजों के टॉप थ्री बैट्समैन के नाम बताने वाला हूं जिनके आधार पर टीमों की प्लेइंग 11 बनने वाली है। तो अंत तक हमेशा की तरह हमारी इस वीडियो को जरूर देखें क्योंकि वीडियो के अंत में मैं सवाल भी पूछूंगा। और दोस्तों अगर आप भी आईपीएल के मैड वाले फैन है, आईपीएल का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं तो नीचे लाइक बटन है, फटाफट इस वीडियो को लाइक कीजिए, लाइक बटन को हिट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों चलिए इस लिस्ट की बात करते हैं। अगर हम सबसे पहले किंग्स इलेवन पंजाब के टॉप थ्री बैट्समैन की बात करें तो केएल राहुल, निकोलस पुरन और क्रिस गेल इनके टॉप थ्री बैट्समैन रहने वाले हैं। इनके आधार पर इनकी प्लेइंग 11 बनेगी। हालांकि बैकअप बैट्समैन के रूप में, प्रॉपर बैट्समैन के रूप में इनके पास करुण नायर, मयंक अग्रवाल, डेविड मिलर, सरफराज खान और मनदीप सिंह भी बैक सपोर्ट देते हुए मौजूद रहने वाले हैं। अच्छी खासी बैटिंग पंजाब की दिखाई दे रही है। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं चेन्नई सुपर किंग्स की टीम की। तो सीएसके की तरफ से महेंद्र सिंह धोनी, सुरेश रैना और अंबाती राइडू, ये तीन खिलाड़ी इनके टॉप बैट्समैन रहने वाले हैं, बेस्ट बैट्समैन रहने वाले हैं। उसके अलावा अगर बैकअप की बात करें तो फाफ डुप्लेसिस, मुरली विजय और सैम बिलिंग्स एक बैकअप सपोर्ट इनको प्रोवाइड कर रहे हैं। दोस्तों अब चलिए हम बात कर लेते हैं दिल्ली कैपिटल्स की टीम की। तो कैपिटल्स की तरफ से जो टॉप थ्री बड़े बल्लेबाज रहेंगे वो हैं शिखर धवन, ऋषभ पंत और पृथ्वी शॉ। जाहिर है दोस्तों इंडियन फायर पावर इनके पास दिखाई दे रही है। बैकअप की अगर हम बात करें तो कैपिटल्स के पास श्रेयस अय्यर, कॉलिन मुनरो, कॉलिन इंग्राम और हनुमा विहारी जैसा तगड़ा बैकअप मौजूद रहने वाला है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं हम राजस्थान रॉयल्स की टीम की। तो राजस्थान के जो टॉप थ्री बैट्समैन रहेंगे वो है दोस्तों जॉस बटलर, अजिंक्य रहाणे और संजू सैमसन। उसके अलावा इनके पास बैकअप के रूप में राहुल त्रिपाठी और मनन बोरा मौजूद रहने वाले, साथ ही बेन स्टोक भी अच्छी खासी बल्लेबाजी कर लेते हैं। दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं सनराइजर्स हैदराबाद की टीम की। तो हैदराबाद के जो टॉप थ्री बैट्समैन रहेंगे वो है केन विलियमसन, डेविड वार्नर और मनीष पांडे। मनीष पांडे को बहुत अच्छा डिलीवर इस बार करना पड़ेगा। इनके बैकअप की बात करें तो इनके पास मार्टिन गप्टिल, जॉनी पेस्ट्रो, विधिमन शाह, दीपक हुड्डा और श्रीवत गोस्वामी मौजूद है। मतलब अच्छा खासा बैकअप हैदराबाद के पास भी बल्लेबाजी में रहने वाला है। दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं केकेआर की टीम की। तो केकेआर के जो टॉप थ्री बैट्समैन रहेंगे वो है दोस्तों दिनेश कार्तिक, क्रिस लिन और रॉबिन उथप्पा। इन्हीं के दम पर इनका जो प्लेइंग 11 है उसका बेस बनेगा। इनके बैकअप के रूप में इनके पास शुभमन गिल, एंड्रयू रसेल मौजूद रहेंगे, साथ ही जो सुनील अरीन है वो भी अच्छी खासी बल्लेबाजी कर लेते हैं तो वो भी एक सपोर्ट बैकअप के रूप में इन्हें प्रोवाइड कर रहे हैं। दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम की। तो आरसीबी की जो टॉप थ्री बैट्समैन रहने वाले हैं वो है विराट कोहली, एबी डिविलियर्स और शिमरॉन हेटमायर। इनके दम पर इनकी प्लेइंग 11 बनेगी। साथ ही बैकअप के रूप में इनके पास ज्यादा ऑप्शन मौजूद नहीं है। एक ऑप्शन है इनके पास हेनरी क्लासन का और दूसरा ऑप्शन इनके पास पार्थिव पटेल का बैकअप के रूप में रहने वाला। और फाइनली अब हम बात कर लेते हैं मुंबई इंडियंस की टीम की। तो मुंबई के जो टॉप थ्री बैट्समैन रहेंगे वो है रोहित शर्मा, क्विंटन डीकॉक और युवराज सिंह। दोस्तों शेर कितना भी बूढ़ा हो जाए, शेर शेर ही रहता है। युवराज सिंह वहां पर रहेंगे और इस बार भी तगड़ा शिकार कर सकते हैं। हालांकि बैकअप के रूप में एविन लुइस है इनके पास, ईशान किशन है इनके पास, सूर्य कुमार यादव और आदित्य तरे हैं। अच्छा खासा इंडियन बैकअप भी इनके पास मौजूद रहने वाला है। तो दोस्तों ये तो थी सभी टीमों के नाम और उनके बैकअप खिलाड़ियों के नाम, टॉप थ्री बैट्समैन के नाम। आपके हिसाब से किस टीम के पास है सबसे तगड़ा बैटिंग लाइनअप? लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। कमेंट जरूर कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जल्दी जल्दी दबाइए।